ये कार्यक्रम गिरधारी लाल जी के नाम पर जो ट्रस्ट चल रहा है उनके द्वारा आयोजित किया गया है और उनका ये शताब्दी वर्ष है। आमतौर पर राजनीति का दुर्भाग्य ऐसा है कि मरने के बाद बहुत ही कम राजनेता जीवित रहते हैं। कुछ ही समय में वो भुला दिए जाते हैं, लोग भी भूल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अपवाद होते हैं जो अपने कार्यकाल में जो कार्य करते हैं, जिस प्रकार का जीवन जीते हैं, जिसके कारण मृत्यु के कई वर्षों के बाद भी वो जीवित रहते हैं। और मैं मानता हूं कि गिरधारी लाल जी उसमें से एक है। सार्वजनिक जीवन में देशभक्ति की प्रेरणा से आए थे वे। तब सार्वजनिक जीवन में आए थे जब लेना पाना बनना ये दूर दूर तक नजर नहीं आता था। और लाहौर की धरती पर आजादी के आंदोलन के साथ अपने को जोड़ा था। विद्यार्थी काल में भी उन्होंने आजादी के लिए कुछ न कुछ करना इस प्रबल भावना के साथ अपने आप को जोड़ दिया था। और बाद में राजनीति की यात्रा में जीवन का अधिकतम समय उनको सत्ता में रहने का अवसर मिला है। देश में 26 बार बजट देने का सौभाग्य शायद ही दो चार लोगों को भी मिला नहीं है। 26 बार बजट देने के पीछे की दो बातें साफ होती हैं। एक तो राजनीतिक जीवन में स्वीकृति और स्थिरता, और दूसरी जो दायित्व तो मिला है उसके प्रति एक्सपर्टाइज एंड समर्पण, तभी जाकर के होता है।